हे गाइस, आज हम पढ़ेंगे सुपरपोजिशन थ्योरम। और सुपरपोजिशन थ्योरम में इट्स ए पार्ट ऑफ एनआईसी एज वेल एज जो बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग होती है उसमें भी काम आता है। ठीक है, तो एनआईसी का जो साइंटिस्ट बी का इलेक्ट्रिकल का पार्ट है उसमें सुपरपोजिशन थ्योरम का एक टॉपिक है। ठीक है, तो सुपरपोजिशन थ्योरम एक्चुअली में होता क्या है? तो सुपरपोजिशन थ्योरम में ये होता है कि अगर हमारे एक सर्किट में मल्टीपल वोल्टेज सोर्सेज है या मल्टीपल करंट सोर्सेज हैं, तो हर एक वोल्टेज सोर्स का हम पावर या करंट निकालते हैं विद रिस्पेक्ट टू जिस रेजिस्टेंस या जिस सर्किट में हमें वो निकालना होता है, और जो रिस्पेक्टिव वोल्टेज सोर्सेज रह गए, ठीक है, उसको हम शॉर्ट कर देते हैं या उनको उनके इंटरनल रेजिस्टेंसेज से रिप्लेस कर देते हैं। सेकेंडली, अगर करंट सोर्सेज अवेलेबल हैं तो करंट सोर्सेज को हम ओपन बना देते हैं। ठीक है, तो हम ये चीजें एक एग्जाम्पल से देखेंगे। एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल जो सर्किट है मेरे पास वो कुछ इस तरह है। ये वही सेम सर्किट है जो हम यूजुअली सारी एग्जाम्पल्स में ले रहे हैं। मैं सेम सर्किट इसलिए ले रहा हूँ बिकॉज ऑफ टू बेनिफिट्स। फर्स्ट, यू कैन मैच द आंसर कि वो आंसर बिल्कुल सही आ रहा है ड्यू रिस्पेक्ट टू डिफरेंट जो थ्योरम्स हैं। ठीक है, एंड सेकेंड, आपको निटिग्रिटीज पता चल सकते हैं कि एक थ्योरम का दूसरे थ्योरम से क्या डिफरेंस है। अगर आंसर सेम भी आ रहा है तो क्या प्रोसेसेस हैं जो डिफरेंट हैं, जैसे केसीएल केवीएल डिफरेंट है सुपरपोजिशन से, या मैक्सिमम पावर थ्योरम डिफरेंट है सुपरपोजिशन से, थेवेनिन नॉर्टन डिफरेंट है सुपरपोजिशन से, तो इनमें बेसिकली डिफरेंसेस क्या हैं। ठीक है, तो शुरू करते हैं। मेरे पास एक जो सर्किट है वो है 4 वोल्ट का। इसमें मेरे पास ये प्लस ये माइनस है। ठीक है, प्लस बड़ी प्लेट को यूजली हम प्लस ले लेते हैं, ठीक है, टू शो। उसके बाद this is my 4 ohm resistor and this is 2 ohm and this is 2 ohm and then I have 8 volt battery and here I have a resistance and again here I have a resistance so this is also 2 ohm and I have 2 ohm resistor here so ye circuit hai question kya hai find the current in 4 ohm resistor तो मैं करंट फाइंड करना है इस रेजिस्टर में। और ये मेरे पास, मैं दो पॉइंट्स मान लेता हूँ, मान लीजिए इसे मान लेता हूँ ए पॉइंट और इसे मान लेता हूँ बी पॉइंट। इसे रहने दीजिए आप, तो हम इरेज ही कर देते हैं ताकि आपको बाद में कंफ्यूजन ना हो। ठीक है, सो नाउ वी हैव दिस, बेसिकली वी हैव दिस सर्किट। तो हमारे पास यहाँ पे दो वोल्टेज सोर्स हैं, एक ये वोल्टेज सोर्स है, एक ये। सुपरपोजिशन थ्योरम में पहले हम एक वोल्टेज सोर्स से निकालेंगे कि यहाँ पे कितना करंट फ्लो हो रहा है, फिर फर्स्ट स्टेप में ये करेंगे, दूसरे स्टेप में क्या करेंगे कि 8 वोल्ट का जो रेजिस्टर है, सॉरी 8 वोल्ट की जो बैटरी है उसके बेसिस पे देखेंगे कि इसमें कितना करंट है। जब हम 4 वोल्ट की बैटरी से देखेंगे तो 8 वोल्ट वाली शॉर्ट कर देंगे, जब 8 वोल्ट वाली बैटरी से देखेंगे तो 4 वोल्ट वाली शॉर्ट कर देंगे। ठीक है, अगर यहाँ पे करंट सोर्स होता तो हम क्या करते, उसे ओपन सर्किट बना देते हैं। ठीक है, अगर यहाँ पे ए और बी पॉइंट है, नाउ दिस, तो वो मैश में हम कैलकुलेट नहीं करते क्योंकि मैश वो तभी बनती है जब क्लोज सर्किट हो। ठीक है, चलो अब शुरू करते हैं। फर्स्ट स्टेप, फर्स्ट स्टेप में क्या हमें करना है, होल्ड ऑन अ सेकंड, ताकि हम पेज एक बार बड़ा कर लें। ओके, अब ठीक है, इससे हमारा काम चल जाएगा। नाउ फर्स्ट सर्किट में क्या है, फर्स्ट सर्किट में 4 वोल्ट की बैटरी से करंट फाइंड करना है। ठीक है, इन 4 ओम रेजिस्टर, राइट। अब इसमें हम क्या करेंगे बेसिकली कि जो मेरा 8 वोल्ट का, उसे मैं शॉर्ट कर देता हूं, तो सर्किट बना लेता हूं मैं दोबारा। तो सर्किट विल बी लाइक दिस, 4 वोल्ट, 2 ओम, 8 वोल्ट की बैटरी थी, यहाँ पे 2 ओम एंड 2 ओम। ठीक है, तो इसमें अगर हम केसीएल केवीएल अप्लाई करते हैं, सबसे पहले आई विल डू केसीएल की करंट की डिवीजन करते हैं। तो ये मेरी पॉजिटिव प्लेट है, यहाँ से करंट निकला, मान लीजिए I1। ठीक है, तो यहाँ पे भी I1 आ गया, यहाँ पे भी I1 आ गया, मान लीजिए यहाँ पे मेरा I2 जाता है। इस पॉइंट को मैं ए मान लेता हूँ, इस पॉइंट को बी मान लेता हूँ, ताकि बाद में हमें डायरेक्शंस भी कैलकुलेट करनी होगी, उसमें हमें हेल्प रहेगी।
ठीक है, अगर यहाँ पे आई टू चला गया तो यहाँ पे क्या आ गया, आई वन माइनस आई टू, ठीक है। केसीएल आप वीडियो देख सकते हैं केसीएल वाली, उसमें मैंने सारा एक्सप्लेन किया हुआ है। यहाँ पे भी आई वन माइनस आई टू आ गया, यहाँ पे भी आई वन माइनस आई टू आ गया, ठीक है, यहाँ पे भी और यहाँ पे भी आई वन माइनस आई टू आ गया। तो यहाँ से मेरे पास आई टू आ रहा है, यहाँ से आई वन आई टू आ रहा है, जब वो मर्ज करेंगे मतलब ऐड करेंगे तो आई टू कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, आई वन, यहाँ पे भी आई वन और यहाँ पे भी आई वन, ठीक है। ये मैंने केसीएल अप्लाई कर दिया, करंट डिवीजन हो गई। अब केवीएल अप्लाई करूंगा, केवीएल में मुझे लूप्स आइडेंटिफाई करने होते हैं। तो लूप्स बेसिकली इसमें वैसे तो तीन लूप बनते हैं, पहला लूप, दूसरा लूप और ये पूरा का पूरा तीसरा लूप, तो ये पूरे का पूरा सर्किट ही है। लेकिन मेरा दो लूप से, मेरे पास दो करंट्स हैं तो मेरा दो लूप से काम चल जाएगा। इसका मीनिंग क्या है कि मेरे पास दो इक्वेशन बन जाएंगे दो लूप से और दो करंट मेरे पास फाइंड आउट हो जाएंगे, दैट्स ऑल। मिनिमम लूप से हमें काम चलाना है ताकि हमारा क्वेश्चन लंबा ना हो, ठीक है। अगर तीन करंट्स होते हैं, मेरे पास तीन करंट लेता मैं, तो तीन इक्वेशन बनाने पड़ते, ठीक है। तो अब क्या है, ये है मेरा लूप वन, ये मेरा लूप टू, और जो मैंने ये क्लॉकवाइज चीज बनाई है, ये डायरेक्शन जो आप केवीएल में समझ सकते हैं कि केवीएल में हम डायरेक्शन लेते हैं एक पॉइंट पूरे के पूरे लूप में, या क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है। तो यहां से मैं शुरू करता हूँ इक्वेशन बनानी फॉर लूप वन। तो लूप वन की क्या इक्वेशन बनेगी, लूप वन में गाइस क्या बनेगा, यहां से अगर मैं शुरू करता हूँ तो डायरेक्शन भी जिस डायरेक्शन में मैं जा रहा हूँ उसी डायरेक्शन में करंट जा रहा है, तो आई विल टेक अ पॉजिटिव, ठीक है। देन मूविंग ऑन टू, यहाँ पे नीचे आ गया मैं, ठीक है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे मेरा आई टू जा रहा है, मैं भी उसी डायरेक्शन में जा रहा हूँ, तो इट विल बी फोर आई टू एंड देन आई हैव टू आई वन। देन अब मैं नेगेटिव प्लेट से पॉजिटिव प्लेट की तरफ मूव हो रहा हूँ लेकिन 4 वोल्ट के साथ, तो आई विल टेक अ नेगेटिव। तो यहाँ पे क्या आ गया, 2 + 2 = 4 I1 + 4 I2, और इस 4 को मैं उधर ले जाता हूँ, इस विल बी 4, नेगेटिव का 4 था इधर पॉजिटिव हो गया, तो डिवाइड बाय अगर मैं 4 कर देता हूँ पूरी की पूरी इक्वेशन को, तो I1 + I2 = 1 आ जाता है, ठीक है। ये मेरी होगी इक्वेशन 1, ठीक है। अब मूविंग ऑन टू लूप 2, लूप 2 में मैं इस ए पॉइंट से शुरू करता हूँ, तो I1 - I2 है, यहाँ पे मैं भी उसी डायरेक्शन में जा रहा हूँ, करंट भी उसी डायरेक्शन में जा रहा है, तो आई विल टेक 2 I1 - I2। और जब नीचे आ गया तो करंट भी इसी डायरेक्शन में जा रहा है, मेरा भी क्लॉकवाइज जो है इसी इसी डायरेक्शन में जाएगा, तो अगेन आई विल डू 2 I1 - I2। लेकिन जब मैं यहाँ पे इसके ऊपर जाऊंगा ऐसे, एंटी सॉरी क्लॉकवाइज घूमूंगा, जब मैं ऊपर जा रहा हूँ तो लेकिन करंट की जो डायरेक्शन है वो यहाँ पे नीचे है मेरी डायरेक्शन, तो आई विल टेक एज नेगेटिव 4 I2 = 0, क्योंकि देर इज नो वोल्टेज सोर्स, ठीक है। तो इसको एक्सपैंड कर लेते हैं, जब 2 I1 के I1 के दो हैं तो 4 I1 हो गया, यहाँ पे आई टू के तीन है नेगेटिव में है, तो 2 + 2 = 4 - सॉरी + 4 अगेन, दैट विल बी 8 I2, जो नेगेटिव होते हैं वो पॉजिटिव में कन्वर्ट हो जाते हैं, तो ये डिवाइड बाय अगर मैं 4 करता हूँ तो इट विल बी एज I1 - 2 I2 = 0, तो ये मेरी इक्वेशन आ गई 2, ठीक है। जब मेरे पास दो इक्वेशंस आ गई हैं, अब इन दोनों इक्वेशंस को मैं सिंप्लीफाई कर लेता हूँ टू फाइंड I1 एंड I2। लेट अस सब्ट्रैक्ट 1 from 2, ठीक है, ऐसे कर लेते हैं। तो I1 - 2 I2 - I1 - I2 0 - 1, ये मेरा सेकेंड इक्वेशन से आया 0 और 1 आया मेरा फर्स्ट इक्वेशन से, तो I1 मेरा कट हो गया -3 I2 = -1, ये भी क्रॉस हो गया, सो I2 will be 1/3, तो मेरा I2 ये आ गया, ठीक है। और मुझे I1 फाइंड करने की इतनी जरूरत तो है नहीं, कर तो सकते हैं लेकिन है नहीं, क्योंकि मेरा यहाँ पे जो मेरा करंट है इस 4 ओम वाले, एक सेकेंड लेट मी सॉरी, यहाँ पे जो मेरा 4 ओम का रेजिस्टर है इसमें मेरा करंट जो फ्लो हो रहा है वो I2 ही हो रहा है, ठीक है। तो अगर I2 यहाँ पे करंट हो रहा है तो मुझे सिर्फ I2 ही पता करना है इन द एंड रिजल्ट में, क्योंकि मुझे फाइंड द करंट इन 4 ओम रेजिस्टर पता करना था, तो 4 ओम का रेजिस्टर एक ही है तो I2 मेरा सफाइस कर सकता है, ठीक है। तो मैंने I2 फाइंड कर लिया, 1/3 आ गया। नाउ ये मेरा I2 आ गया 4 वोल्ट की बैटरी से, विच इज 1/3 एम्पियर। नाउ व्हाट आई विल डू द सेम प्रोसीजर विद 8 वोल्ट बैटरी, ठीक है। तो सर्किट बना लेते हैं 8 वोल्ट बैटरी के साथ, 8 वोल्ट बैटरी इधर है हमारे राइट हैंड साइड पे,
तो जो 4 वोल्ट बैटरी है वो शॉर्ट हो जाएगी फॉर 8 वोल्ट बैटरी। ठीक है, 4 वोल्ट की बैटरी शॉर्ट हो गई, दिस इज माई 4 ओहम, 2 ओहम, 2 ओहम, 2 ओहम, ये गाइस 2 है 20 नहीं है, ठीक है ना। और यहाँ पे मेरे पास 8 वोल्ट की बैटरी है, बस पॉजिटिव नेगेटिव का ध्यान रखिए क्योंकि इक्वेशन में वो जरूरी है। ओके, दिस इज 8 वोल्ट, नाउ आई हैव 2 ओहम रेजिस्टर एंड अनदर 2 ओहम रेजिस्टर। ठीक है, तो दिस इज माय पॉजिटिव प्लेट, दिस इज नेगेटिव। तो पहले केसीएल अप्लाई कर लेते हैं। तो मान लीजिए यहाँ पे मेरा I1 निकला और यहाँ पे मेरा I2 मैंने भेज दिया, तो यहाँ पे क्या आ गया, I1 माइनस I2, यहाँ पे भी I1 माइनस I2, यहाँ पे I1 माइनस I2, फिर इस डायरेक्शन में I1 माइनस I2, फिर इस डायरेक्शन में I1 माइनस I2, और ये पॉइंट मेरा A है, ये B है। हाँ, एक चीज और गाइस, जो मेरा ये I2 निकला था, तो हमारी जो यहाँ पे डायरेक्शन थी, जो मेरा I2 निकला था, तो जो हमारी यहाँ पे डायरेक्शन थी इस फेज में, दैट इज फ्रॉम ए टू बी, ये वाली मेरी डायरेक्शन है। ठीक है, तो डायरेक्शन आर इंपॉर्टेंट, सेम डायरेक्शन को इन द एंड हम ऐड कर देंगे और उसमें से ऑपोजिट डायरेक्शन को माइनस भी करते होते हैं। ठीक है, और यहाँ पे हम डायरेक्शन लिख लेते हैं ए टू बी। ठीक है, और यहाँ पे भी हम डायरेक्शन ए टू बी ही ले रहे हैं। यहाँ पे मेरा आई टू आ गया, अब आई वन माइनस आई टू में मेरा आई टू जब मर्ज होगा तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, आई वन आ जाएगा, यहाँ पे भी I1, यहाँ पे भी I1। ठीक है, तो ये मेरे, और मैंने KVL अप्लाई करने के टाइम 2 लूप्स बना लिए, ये मेरा लूप 1 है, ये मेरा लूप 2 है। ठीक है, अब I1 मेरे पास मैंने करंट डिस्ट्रीब्यूट कर लिया, अब हम क्या करते हैं, हम इक्वेशन बनाते हैं लूप 1 की। लूप 1 में क्या है गाइस, अगर इस पॉइंट से मैं शुरू करता हूँ, इस पॉइंट से शुरू करके, तो इट विल बी, मैं क्लॉकवाइज जा रहा हूँ, तो इट विल बी 2 नेगेटिव में, क्योंकि मेरी करंट के डायरेक्शन क्लॉकवाइज है, करंट की डायरेक्शन मतलब एंटी क्लॉकवाइज है और मैं क्लॉकवाइज जा रहा हूं, तो मैं माइनस में ले लेता हूं, I1 माइनस I2, एंड देन आई विल गो डाउन हेयर, और डाउन बिल्कुल ठीक है, तो पॉजिटिव में ले लेते हैं क्योंकि मैं भी उसी डायरेक्शन में जा रहा हूँ, करंट भी उसी डायरेक्शन में जा रहा है, तो 4 I2, एंड देन अगेन मैं जा रहा हूँ क्लॉकवाइज और करंट जा रहा है एंटी क्लॉकवाइज, देन -2 I1 माइनस I2। वोल्टेज सोर्स फर्स्ट लूप में है नहीं, तो 0 आ जाएगा, तो प्लस आ जाएगा यहाँ पे I2, बिकॉज माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे, प्लस 4 I2 -2 I1 +2 I2 = 0। तो 2 I1 2 I1 -4 I1 आ गया, 2 + 4 = 6 +2 = 8, 8 I2 = 0। सो डिवाइडिंग बाय अगेन 4, -I1 +2 I2 = 0। तो ये मेरे पास एक इक्वेशन बन गई, मान लीजिए 1। ठीक है, लूप 1 की इक्वेशन आ गई। नाउ वी विल प्रोसीड विद लूप 2 इक्वेशन। लूप 2 की इक्वेशन पॉइंट ए से मैं शुरू कर लेता हूँ, आई विल गो क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज सबसे पहले मेरे पास 8 वोल्ट की बैटरी आ रही है, सो आई विल गो विद +2 - जा रहा हूँ मैं, पॉजिटिव से जा रहा हूँ, तो आई विल गो +8। देन उसके बाद मैं क्लॉकवाइज जा रहा हूँ, करंट जा रहा एंटी क्लॉकवाइज, तो -2 I1। देन अगेन करंट जा रहा एंटी क्लॉकवाइज और मैं जा रहा हूँ क्लॉकवाइज, तो यहाँ पे अगेन आ गया -2 I1। फिर जब मैं 4 ओम के रजिस्टर में पहुंचा, तो मैं जा रहा हूँ क्लॉकवाइज और करंट अगेन एंटी क्लॉकवाइज जा रहा है, तो -4 I2 = 0। तो यहाँ पे क्या आ गया, 8 को मैं उधर ले जाता हूँ, -8, तो -4 I1 -4 I2 -8। यहाँ पे पॉजिटिव था, यहाँ पे नेगेटिव हो गया। अगर मैं -4 से तीनों को डिवाइड कर देता हूँ, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, I1 +I2 = 2। मैंने यहाँ पे क्या किया, डिवाइड बाय -4। ठीक है, -4 से यहाँ पे I1 आ गया, ठीक है, माइनस का माइनस कैंसिल हो गया, अगेन माइनस का माइनस कैंसिल हो गया, प्लस एंड I2 आ गया, और इसका -8 था तो 2 आ गया। दिस विल बी माय इक्वेशन 2। लेट अस सॉल्व अगेन बाय सिंप्लीफाइंग दीज 2 इक्वेशंस। तो अब क्या करेंगे, मान लीजिए मैं ऐड कर देता हूँ 1 एंड 2 को,
ये आ जाएगा माइनस आई वन प्लस टू आई टू प्लस आई वन प्लस आई टू इज इक्वल टू 0 प्लस 2। तो आई वन कैंसिल हो गया, 3 I2 इक्वल टू 2। आई टू क्या आ गया गाइस, 2/3। हमें आई टू ही चाहिए था, और देख लेते हैं आई टू ही चाहिए कि कोई और चाहिए। हाँ जी हमें आई टू ही चाहिए, क्योंकि हमने आई टू ही रखा है हमारे 4 ओम के रजिस्टर में। और सिचुएशन क्या है, डायरेक्शन क्या है करंट की, ए टू बी। तो यहाँ पे भी डायरेक्शन आ गई मेरी ए टू बी, ठीक है। अब मेरा जो पहला करंट आया था आई टू फर्स्ट 4 वोल्ट बैटरी के साथ, वो आया था 1/3। वो भी कंडीशन थी ए टू बी की, डायरेक्शन थी। अब आया आई टू 8 वोल्ट बैटरी के साथ, वो भी ए टू बी है। अब जब दोनों ही मेरे ए टू बी हैं, देन आई विल ऐड देम। अगर कोई बी टू ए डायरेक्शन होती तो मैं माइनस कर देता, ठीक है। लेकिन दोनों ही अब आई टू जो मेरे आए हैं 4 वोल्ट 4 ओम के रजिस्टर में, दैट इज ए टू बी, तो दोनों को ऐड करूंगा। तो पहला जो मेरा 4 वोल्ट की बैटरी के साथ आया था 1/3 था, जो दूसरा मेरा 2/3 आया है ये 8 वोल्ट की बैटरी के साथ आया, दोनों ही ए टू बी हैं। तो इन दोनों को अगर मैं ऐड करता हूँ तो क्या आ जाता है, इक्वल टू 1 एम्पियर। तो मेरा जो फाइनल जो करंट है, जो हमें क्वेश्चन पूछा था, तो क्वेश्चन पूछा था हमें फाइंड द करंट इन 4 ओम रजिस्टर। सो ये टोटल क्या आ गया, हमने पहले 4 वोल्ट बैटरी से निकाला, फिर 8 वोल्ट बैटरी से निकाला, तो दोनों का मिला के मेरे पास ए टू बी डायरेक्शन बनती है। तो ए टू बी जो डायरेक्शन है, जो मेरा यहाँ पे करंट है 4 ओम का, दैट इज 1 एम्पियर, 1 एम्पियर, ठीक है। तो अब 1 एम्पियर ही हमारा यहाँ पे आया है, 3/3, तो 1 एम्पियर आ गया आंसर, ठीक है। सो गाइस दिस इज आवर सुपर पोजिशन थ्योरम। इसमें बेसिकली हम क्या करते हैं, जितने भी वोल्टेज सोर्स या करंट सोर्स होते हैं, एक वोल्टेज सोर्स या एक करंट सोर्स को एक टाइम पे पिक करते हैं, औरों को उनके इंटरनल रेजिस्टेंस से रिप्लेस कर देते हैं, या अगर अगर इंटरनल रेजिस्टेंस नहीं दिया हुआ तो उन्हें शॉर्ट कर देते हैं। और अगर शॉर्ट करने के बाद हर एक जो वैल्यू है, हर वोल्टेज सोर्स या करंट सोर्स के साथ पूरे मैश की वैल्यू निकालते हैं, और करंट या पावर जो भी निकालना हो एक पर्टिकुलर रेजिस्टेंस में वो फाइंड आउट करते हैं। ऐसे ही सारे वोल्टेज और करंट सोर्सेज के साथ करते हैं। एक करंट सोर्स को अगर लेते हैं तो दूसरे जो करंट सोर्सेज हैं उन्हें ओपन कर देते हैं, ओपन सर्किट बना देते हैं, और अगर वोल्टेज सोर्स लेते हैं तो उन्हें शॉर्ट कर देते हैं, ठीक है। और ऐसे ही जब सारी डायरेक्शंस प्लस सारे जो हमारे नंबर ऑफ करंट्स हैं वो निकाल के उस पर्टिकुलर रेजिस्टेंस का करंट को हम अलग ले लेते हैं और उसके डायरेक्शन ले लेते हैं, और जो सेम डायरेक्शन में होंगे उन्हें ऐड कर देंगे, जो अपोजिट डायरेक्शन में होंगे उसको टोटल में से माइनस कर देंगे। तो हमारे पास एक फाइनल वैल्यू, नेट वैल्यू आ जाएगी, नेट करंट आ जाएगा उस पर्टिकुलर रजिस्टर के थ्रू, ठीक है। सो थैंक यू सो मच। इफ यू रियली लाइक इट, डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक यू।